Hi guys, welcome to my channel. Today I will discuss about the classification of capital and revenue items. It's a very important topic of macroeconomics. Now before the starting video, I would like to say a very good day to all of you. Now the first topic is capital expenditure. सबसे पहले हम लोग capital expenditure के बारे में जानेंगे कि यह होता क्या है. तो कैपिटल के नाम से ही आप लोग जान सकते हैं और एक्सपेंडिचर के नाम ही से ही जान सकते हैं कि खर्च करना. तो इट इज़ डिफाइंड एज व्हेन द एक्सपेंडिचर्स बेनिफिट इज़ अवेलेबल लॉन्गर मोर देन ईयर इज़ कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जब भी एक्सपेंडिचर का बेनिफिट अवेलेबल होता है लॉन्गर लंबे समय के लिए मोर देन ईयर एक साल इज कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं. इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इन मैनी फॉर्म्स. ये इंक्लूड करता है एक्सपेंडिचर को यानी कि खर्च को मैनी फॉर्म्स में कई फॉर्म में. द सम ऑफ इट इज थ्रू ए बिल्डिंग मशीनरीज लैंड्स ऑफिस इक्विपमेंट्स एंड सो ऑन. फिक्स्ड एसेट्स of the company are acquired to incur the expenditure. There can be capital addition to the fixed assets which can increase the efficiency of the assets. जो कि क्या करती है इंक्रीज करती है. किस चीज़ को इंक्रीज कर सकती है तो एफिशियंसी ऑफ द एसेट्स जो हमारे पास किसी भी कंपनी में एसेट्स के रूप में होता है. द रिज़ल्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर किसी भी एक्सपेंडिचर का जो रिज़ल्ट होता है इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड एसेट्स वो किस में होता है फिक्स्ड एसेट्स में आर एन इंक्रीज इन इट्स लाइफ सस्टेनेबिलिटी एंड रिवेन्यू अर्निंग कैपेसिटीज इन द फॉर्म ऑफ एन इंक्रीज इन इट्स प्रोडक्शन. इट रिड्यूसेस द प्रोडक्शन कॉस्ट. क्या रिड्यूस करता है ये तो प्रोडक्शन के कॉस्ट को एंड इंक्रीजेज द सेल्स ऑफ द फॉर्म. और जो किसी भी फॉर्म में सेल होता है उसको इंक्रीज करता है यानी प्रोडक्शन के कॉस्ट को रिड्यूस करता है और सेल के को इंक्रीज करता है. कहाँ पे इंक्रीज करता है तो किसी भी फॉर्म के द्वारा जब सेल होता है तो उसे इंक्रीज करता है. तो फॉर द कॉस्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन द इक्विसेंस ऑफ द पेटेंट राइट्स इफ द एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट सक्सेसफुल इट इज़ ए ट्रीटेड एज ए डिफॉल्ट रिवेन्यू एक्सपेंसिस. तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब हम लोग जानेंगे कि कैपिटल रिसीप्ट. तो कैपिटल रिसीप्ट इज द अमाउंट रिसीप्ट एज फिक्स्ड एसेट्स. कैपिटल रिसीप्ट क्या है वह अमाउंट है जो रिसीव होता है फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स लोन्स इशूज of shares and compensation from the accidents of assets. किसी भी assets का जब accident हो जाता है तो उसके compensation को भी capital receipt कहते हैं. तो these are also called incoming cash flow. तो ये coming क्या हो जाता है cash flow भी होता है. तो these increase the assets. ये क्या करता है assets को बढ़ाता है and reduce the liability of the company और company के liabilities को reduce करता है कम करता है. तो these kinds of receipt will not affect the overall profit or loss of an organization and company. Next अब जानेंगे. अब तक तो हम लोगों ने जान लिया capital के बारे में. तो capital profit and loss के बारे में जानेंगे. तो profit that are earned through capital items are called the profit capital. जो profit earned होता है किसके द्वारा तो capital के item के द्वारा तो उसे हम लोग capital profit कहते हैं. And the loss that is incurred on the capital item is called a capital loss. और जिस capital item से loss होता है उसे capital loss कहते हैं. As for example आइए जानते हैं कि capital profits are an increase इन दी वैल्यू ऑफ एसेट्स. कैपिटल का जो प्रॉफिट होता है इंक्रीज होता है किस में तो इन द वैल्यूज ऑफ एसेट्स थ्रू रीवैल्यूएशन एंड द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ डिबेंचर्स सेल ऑन प्रीमियम.
Some examples of capital loss are loss on the sale of the fixed assets, the losses incurred on the debentures and sales issues at a discount. These are shown as fixed assets in balance sheet. I hope you all of you understand. The video was very short, and if you like the video, share with your friends, subscribe the channel. Thanks, and thanks for watching.